पहले आपको इस टाइप का फोटो क्लिक करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सीधा पिक्सआर्ट के अंदर, तो आपको शेयर पर क्लिक करके फोटो को पिक्सआर्ट में शेयर कर देना है। तो वैसे हमारा जो फोटो है पिक्सआर्ट के अंदर आ चुका है, तो उसको क्या करना है, आप बैकग्राउंड जो इरेज करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करना है ड्रा टूल में जाना होगा। तो ड्रा टूल में जाने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और फोटो पर क्लिक करके इसको हटा देना। उसके बाद आपको क्या करना है, इरेजर पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से टाइप करना है। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे साइज़ देख सकते हो, यहाँ पे साइज़ जो छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से फोटो को जूम कर और यहाँ पे जितना बैकग्राउंड इरेज करना है इरेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ, जो बैकग्राउंड इरेज हो चुका है गाइस। अब इसको क्या करना है, तीन डॉट पे क्लिक करके सेव कर लेना है। तो गाइस हमारा जो फोटो है सेव हो चुका है गाइस। अब इसको क्या करते हैं, इसको मिनी हटा देते हैं यहाँ से, मिनिमाइज करते हैं गाइस। उसके बाद अपने जो बैकग्राउंड ले लेता हूँ, तो गाइस हमारा जो फोल्डर में बैकग्राउंड है मैं ये ले लेता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अपनी जो फोटो सेट करने वाला हूँ, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद रिसाइज में क्लिक करना है और रिसाइज में क्लिक करने के बाद आपको इसको हटा देना और यहाँ पे 17117 कर लेना है, 17, ठीक है। तो यहाँ पर डन कर लेनी है, ठीक है। तो हमारा जो फोटो का साइज है बड़ा हो चुका है। उसके क्या करना है, आपको ऐड फोटो में जाना है और अपने फोटो को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा जो फोटो है ये, तो मैं अपनी फोटो को यहाँ पर सेट करूँगा, ठीक है। तो अभी अच्छे से सेट कर लूँ ताकि आपकी जो फोटो है परफेक्ट पैट है। तो वैसे यहाँ जो हमारा जो फोटो है अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो वैसे इसको मैं यहाँ से डन करता हूँ और चलते हैं फिर से ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में इसको मैं स्टिक बनाऊँगा, ठीक है। तो वैसे क्या करना है, आपको यहाँ से फोटो को थोड़ा ड्रॉप कर लेना है और यहाँ से हल्का सा क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसको छोटा सा कर लेना है और साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है, उसको थोड़ा घुमा देना है और उसको हाथ में ऐसे करके ऐसा लगे कि हाथ में पकड़ा हुआ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अच्छे से सेट करूँगा। तो वैसे हमारा जो ये स्टिक है सेट हो चुका है। ओपेसिटी को थोड़ा कम करूँगा गाइस यहाँ से। इसके बाद इरेजर में जाऊँगा, तो इरेजर में जाने के बाद थोड़ा फोटो को जूम करके यहाँ से जो स्टिक है उस चीज़ को हम यहाँ से हटाएंगे, थोड़ा हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा लेंगे और साइज़ को छोटा कर लेंगे। तो वैसे हमारा जो है स्टिक अच्छे से कट हो चुका है गाइस। इसको मैं थोड़ा बढ़ा कर देख लेता हूँ। तो वैसे देखो कि हमारा जो स्टिक अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ। और डन करने में क्या करना है गाइस, आपको जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में क्लिक कर लेता हूँ गाइस। उसके बाद आपको जाना है आर्टिस्ट में क्लिक करना है और सबसे लास्ट वाले फ्रंट वन में क्लिक करना है, ठीक है। वन में क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, मल्टीप्लाई में क्लिक कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्लिक करके आपको इरेजर पर क्लिक करना है और इसको हटा देना है, और जितने अपने बॉडी पे कपड़ा है उस पर हम इसको बॉडी पार्ट में यहाँ पे करना, ठीक है। तो अच्छे से आप करना है इस यहाँ से पूरा अच्छे से। तो वैसे आप देख सकते हो कि हमारा जो शर्ट और जीन्स कितने अच्छे से कलर हो गया है। तो थोड़ा ये करने से क्या होता है कि थोड़ा कपड़ा में चमक आ जाती है। तो वैसे यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से कर लिया हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डन करना है, यहाँ से फिर ओके कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ साइडो बनाना है, ठीक है। तो आपको जाना है थोड़ा ड्रा टूल में जाना है। तो ड्रा टूल में जाने के बाद गाइस आपको ब्रश पर क्लिक करना है, वो यहाँ पे थोड़ा ओपेसिटी को थोड़ा देख लेना है, ओपेसिटी को थोड़ा कम रखना है और साइज़ को थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद सेट कर लेते हैं, सेट करने फोटो को जूम कर लेना है। जूम करने के बाद गाइस आपको यहाँ से हल्का हल्का मार देना है और साइज़ को छोटा कर लेते हैं गाइस और सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से कर लेता हूँ गाइस। साइडो बनाने का मतलब क्या है गाइस, आपका जो फोटो में जो है लगेगा रियल है, ठीक है, रियल टाइप का थोड़ा लगता है। इसलिए कभी फोटो बनाओ तो आप साइडो जरूर देना, ठीक है, इससे आपको फोटो जो लगता है रियल लगेगा। यहाँ पे मैं अपना साइडो थोड़ा बना लेता हूँ अच्छे से। तो ऐसे यहाँ पे देखोगे हमारा जो फोटो है साइडो है जो अच्छे तरीके से बन चुका है। इसको क्या तीन पेज से क्लिक करके यहाँ से आपको ऐसे करना है, ठीक है, आपको कम कर देना है ओपेसिटी को, थोड़ा कम करके देख लेंगे अच्छा सेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमारा जो अच्छे तरीके से सेट हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। तो गाइस कलर सेटिंग तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हो गया है, बट कुछ पीएनजी है गाइस, तो वहाँ अच्छे से मैं सेट करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, फिर से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ पे मैं सारा कुछ एक पीएनजी में वहाँ पे सेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ऐड वन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सेट करूँगा।
तो जूम कर लूँगा ऐसे, कुछ इस टाइप का करूँगा सेट। तो बस अब भी थोड़ा अच्छे से काम करना है ताकि आपकी जो फोटो है परफेक्ट एकदम मस्त वाली बने। तो वैसे देखो यहाँ पे मैं सेट कर लिया, उसको ओके करना है। तो आपको जाना है एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे टाइम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑरेंज इफेक्ट दे देना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, आपको मीडियम रखना है ऑरेंज इफेक्ट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से डन कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है, आप फिर से जाना ऐड फोटो में। उसके बाद आपको अपनी फाइल में जो वो इसका लिंक दे दूँगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा यहाँ से लेकर ये वाले इफेक्ट को सेट करूँगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कर दूँगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है ब्रांडिंग मोड में जाना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड कर देना है। तो गाइस आपको यहाँ पे लाने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑपेसिटी को तो यहाँ पे कम कर देंगे। उसको यहाँ से मैं डन कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो कितनी अच्छी से सेट हो गया गाइस। आपको क्या करना है, कुछ लाइट रूम में कलर सेटिंग करना है गाइस। तो चलते हैं लाइट रूम की तरफ। और इसको लाइट रूम में जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ड्रा टूल में जाना है और फोटो सेव करना है गाइस। आपको यहाँ से तीन डॉट पे क्लिक करना है और फोटो को सेव कर लेना है। हमारा जो फोटो है लाइटरूम के अंदर ओपन हो गया है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइट पे क्लिक करना है और थोड़ा हाईलाइट को यहाँ पे कम करना है गाइस, ठीक है। हाईलाइट को कम करना है और उसके बाद साइडों को देख लेना, तो साइडों को थोड़ा हल्का सा बढ़ाकर रखना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा व्हाइट बैलेंस यहाँ पे कम रखना है गाइस, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे कम ही कर देना है, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लैक थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाकर रखना है ताकि जो फोटो में तो चमक और अच्छे से आ जाए, ठीक है। उसके बाद चलने थोड़ा कलर सेटिंग में चलते हैं गाइस। यहाँ पे आपको मिक्स पे क्लिक करना है और जब यू को थोड़ा देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे यू का जरूरत हल्का में कोई साइड तरफ है, तो इसको थोड़ा 19 कर लेते हैं। थोड़ा इसको भी थोड़ा सा मैं बढ़ाकर देख लेता हूँ गाइस क्या मिल रहा है। इसको भी ऐसे आपको भी थोड़ा करना है गाइस, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा 25 कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ फर्स्ट ब्लू टोन पे जाता हूँ, उसको यू को थोड़ा सा यहाँ पे साइड करूँगा, ठीक है। वो यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा इसको बढ़ाकर रखना है, तो लुमिनस को भी थोड़ा साइड यहाँ पे रखना है साइड में, ठीक है। तो आपको देख लीजिए सेटिंग क्या करना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा फेस को गोरा करना है, तो आपको लुमिनस को थोड़ा बढ़ा देना है। तो वैसे आप देखते हो कि हमारा जो फेस कलर कितना बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा भाइब्रेंस को बढ़ा कर रख देना है गाइस, भाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ाना है, थोड़ा इसको भी बढ़ा दूंगा गाइस ताकि जो फोटो है परफेक्ट एकदम मस्त वाली बने। तो वैसे थोड़ा इसको भी बढ़ा देता हूँ, इसको मैं रखता हूँ 4, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, आपको इस पे जाना है, थोड़ा क्लैरिटी को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देना है, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ गाइस, हल्का सा मैं बढ़ा दूंगा। उसके बाद गाइस क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है, शार्पनेस को थोड़ा बढ़ा देना है, इसको थोड़ा बढ़ा देना है गाइस, थोड़ा इसके आगे फेस स्मूथ हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से आपको फोटो को पिक्सआर्ट में फिर से शेयर करना है, और पिक्सआर्ट में शेयर करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्या करना है, येलो टोन मारना है और हेयर स्टाइल लगाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं येलो टोन मार ले रहा हूँ गाइस, आपको क्या करना है, फिर से कलर स्टिंग जाना है, यहाँ से आपको येलो टोन थोड़ा मारना है ताकि जो फोटो है फोटो को जो बैकग्राउंड उससे मैचिंग कर जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से अच्छे से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा जो फोटो है अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको चलते हैं पिक्सआर्ट की तरफ, और पिक्सआर्ट में आप वहाँ हेयर स्टाइल करेंगे और अच्छे से फेस को थोड़ा बैकग्राउंड से मैच करेंगे। तो आपको यहाँ से सेल पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट की तरफ। तो ये समझ हो गया, पिक्सआर्ट की तरफ आ चुके हैं। उसके बाद चलते हैं सीधा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको फाइल में जाकर अपना जो हेयर स्टाइल को ओपन कर लेना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा घुमा देना है और अपने फोटो को एडजस्टमेंट करके यहाँ से अच्छे से लगा देना है, और थोड़ा इसको ऑपेसिटी को कम करना है और इरेजर पे क्लिक करना है और फोटो को जूम करना है और थोड़ा हार्डनेस को बढ़ा लेना है और साइज को छोटा कर लेना है और जितना आपके हेयर स्टाइल फालतू दिख रहा है आपको हटा देना है। तो गाइस हमारा जो हेयर स्टाइल देख सकते हो कि बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, थोड़ा एडजस्ट में जाकर यहाँ पे थोड़ा इसको भी थोड़ा यहाँ कलर करूँगा गाइस ताकि जो बॉडी से मैच कर जाए, ठीक है। तो आपको अच्छे से यहाँ सेट करना होगा,
यहाँ पर थोड़ा लाइट कर दूँगा और इसको भी बना दूँगा और इसको ऊपर रखूँगा ताकि ये जो मैचिंग करने के लिए गाइस आपको इतना करना ही पड़ेगा ताकि आपको फोटो दोनों अच्छे तरीके से मैच हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से मैं टर्न करूँगा। ठीक है, थोड़ा इरेजर पे क्लिक करके देखूँगा कहाँ कहाँ छोटा तो नहीं है। देखो यहाँ पे छोटा है, तो आपको वैसे अच्छे से काम करना है ताकि आपको पता चले कहाँ छोटा है कहाँ नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डन कर लेता हूँ। तो वैसे हमारा जो हेयर स्टाइल है अच्छे तरीके से सेट हो गया है। उसको क्या करना है, आपको जो फेस कलर है, आपको जो फेस कलर करना है, आपको जाना है सीधा ब्यूटी में जाना है। तो यहाँ में ब्यूटी में जाकर और उसके बाद इस पर आपको स्किन टोन पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो फेस है ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा येलो टोन टाइप रखूँगा, तो इसको ये वाले ज़्यादा यहाँ से कम बेसी कर सकते हो। तो गाइस देखो पहले जो फेस था, अभी देखो कितना अच्छा सेट, मतलब जो बैकग्राउंड से वो मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं भाई यहाँ पर रखूँगा और तो यहाँ से मैं डन कर लूँगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो मैचिंग जो हो गया अच्छे तरीके से, तो इसको मैं डन करके, ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो फोटो है कितना बेहतरीन लग रहा है गाइस। और देखो गाइस थोड़ा ये जब हेयर स्टाइल नहीं लगता तो कितना गंदा लग रहा था, और जब हेयर स्टाइल लग गया तो देखो पता चल रहा है गाइस, अभी बोलो कितना मस्त लग रहा है गाइस। तो गाइस इसको क्या करना है, इसको आपको सेव करना है। तो सेव करने के लिए क्या करना है, आपको जाना ड्रा टूल में। ड्रा टूल में जाने के बाद आपको पिन डॉट पे क्लिक कर लेना। तो गाइस हमारा जो फोटो है सेव हो गया गाइस। तो गाइस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।